अच्छा यहाँ पे सामने एक बेटा आइए किधर मेरे पास में और एक बार है यहाँ पे लोग थोड़ा बकवास करता है कोई नहीं कोच टुडे वी आर हियर फॉर दहिसर चेकना का मुहूर्त दिस इज रियली अ प्रिविलेज मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ मूवीज इन साउथ टीवी सीरीज आल्सो दिस इज माय फर्स्ट मूवी इन बॉलीवुड So I'm really excited to share the moment with all of you. And Dahisar Chiknaka is something about a social awareness creating message movie. This has lots of, you know, varieties and moments. And a girl or anybody, if she is missing from Kashmir or something, a place, Kashmir se, agar Mumbai mein agar koi bhi lost ho jata hai, to jo alag alag hum logon ka dharaye hai, और वहाँ का जो मूवमेंट मतलब वहाँ का जो पुलिस है और यहाँ का जो पुलिस है वो लोग कैसे एक मतलब लड़की को वहाँ से निकालते हैं और इसके ऊपर पूरा मूवी है सो इट्स लाइक अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड स्टोरी इट हैज़ लॉट्स ऑफ थ्रिलिंग आई गेस एंड सस्पेंस इज देयर सो मच सस्पेंस इज देयर सो आई थिंक हम लोग शुरू करने वाले हैं आगे आप बोलेंगे तो जैसे कि इन्होंने बताया दहिसर चेकना का बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है वो क्या चीज़ है वो क्या सिचुएशन है वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं कैसे सिचुएशंस उभरते हैं उसके ऊपर ये पूरी कहानी है इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा और जो कि एक जो सस्पेंस है उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है सो लाइक शी सेड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दहिसर चेकना का आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं रील्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फॉर्मूले वाले फिल्म से काफ़ी उठ गई है तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलिवेंट सब्जेक्ट है उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी और बहुत सारा इंथुजियाज्म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये दहिसर चेकना का एग्जैक्टली क्या है Okay, and I wanted to ask you, sir, you know, you're doing a lot of workshops or anything, but जहाँ तक मराठी का सवाल है मैं मुंबई का लड़का हूँ मराठी मैंने स्कूल में सीखी है और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे और भी काफ़ी एपिसोड में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर उनके ऊपर बेस्ड उनके ऊपर डिपेंड करता है अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं दे व्हेनेवर इट्स अ पंजाब स्टोरी वो लोग मुझे बुलाते हैं पता नहीं क्यों तो दिस द फर्स्ट टाइम आई विल प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कॉप और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं लेकिन देखूंगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूं या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं तो वो तो सेट पे जब जाएंगे और सीन्स पे काम करेंगे तभी पता चलेगा ओके क्या आई बिलीव यू हैव सीन बाजीराव मस्तानी द वे स्पेशल एडिक्शन मैं लहजे की बात करता हूं ने जिसने पैदा किया वो लहजा नजर आता है कि मराठी का जी 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 क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे आपको अलग करे बिल्कुल बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे अगर हम महाराष्ट्र एक मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा जाहिर सी बात है बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ बिकॉज हम आमतौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्र कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है तो उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे टू द एक्ट्रेस क्या ये हाफ विडो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में
और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की कोर्ट में निकलती है उसकी ऊपर स्टोरी है. आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुँचती है इसकी ऊपर स्टोरी. आर यू पीपल आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ विद्या बालन शी हैव डन ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कहानी शी यूज्ड टू ट्रैवल यू नो इन अ डिसगाइज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन. फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि तो दुनिया ही आ जाएगी. तो क्या ये खास यूएसपी बना के कर रहे हैं आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या प्रमोशन स्ट्रेटेजी की एक लड़की है निकली है ढूंढ रही है थोड़ा लुक इधर भी दिया था मतलब डिफरेंट है. इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी. लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी पे लिटिल बिट रिवेंजफुल है बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या बालन ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है. पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में बहुत लॉस के बारे में नहीं जानते उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाए. क्या द लास्ट क्वेश्चन आई एम अकोमोडेटिंग एक्टर अंडररेटेड आप कह रहे हैं तो मुझे ये सुन के खुशी हो रही है कि समवन फील्स दैट आई एम मे बी आई हैवंट गॉट द काइंड ऑफ पार्ट्स दैट आई डिजर्व. बट सर ऐसा है कि वन हैज़ टू जस्ट गो विद द फ्लो. आपको मतलब मेरे करियर में एक ऐसा फेज आया था जिसमें मैंने अपने करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी. मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही काम करूँगा और सिर्फ फिल्में करूँगा और सिर्फ ये करूँगा. लेकिन वो जो मेरे 3 साल मेरी लाइफ के थे और वो जो मेरा करियर का डिसीजन था वो सबसे ख़राब डिसीजन था बिकॉज अपनी इंडस्ट्री बहुत there's a lot of openness in the industry. और अभी talking about the camp. कैम्प सर तो कैम्प तक तो सर मैं आज तक पहुँच ही नहीं पाया वो तो बहुत दूर की बात है. राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि वॉट एवर आई एम गेटिंग आई एम डूइंग. हाँ मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि कहीं पे भी कोई मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जिससे कि मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी इमेज है वो ख़राब हो या कहीं पर वो डिग्रेड हो. बट येस I am not very choosy about my work right now. I just want to work with everyone. जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जो भी पार्ट्स मुझे दे रहे हैं मैं पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहता हूँ. फिल्म का जो सब्जेक्ट है बेसिकली थोड़ा डिफरेंट मूड दिखाया हमने. जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत आती है वुमेन पे वुमेन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत सारी फिल्मों में दिखती है. लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक कश्मीर से लड़की जो गायब हुई है जो करेक्टर गायब हुआ है उसको ढूंढने के लिए अगर कोई भी मुंबई या इंडिया के किसी पार्ट में जाता है वहाँ केस फाइल करने के लिए उसको 370 की धारा 35 की धारा और बहुत सारे धाराओं को सामना करना पड़ता है जिसमें वो केस फाइल ही नहीं हो पाता है. वहाँ का कोई पुलिस वाला इंडिया के किसी पार्ट में नहीं आ पाता है. इंडिया का कोई पार्ट वाला वो कश्मीर के किसी पार्ट में जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता. इंडिया में है कश्मीर, कश्मीर हमारा पार्ट है, एक हम है खुद पूरा हमारा हाथ है कश्मीर. लेकिन हाथ को यूज़ नहीं कर सकते. उसका संविधान अलग है, उसका झंडा अलग है, उसका तौर तरीका अलग है. क्यों उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया इस फिल्म में. एक सस्पेंस स्टोरी है जिसका बेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है वो आप देखेंगे तो पसंद. दूसरा कि जो जम्मू कश्मीर में एक अनिल जी ने जैसे बताया कि कहानी पूरी डिफरेंट टाइप की है. जो जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा लगती है तो हिंदुस्तान में अब तक 370 की धारा का प्रॉपर मतलब 70-80% को मालूम नहीं कि 370 की धारा का इच्छुम क्या मतलब होता है. तो उस धारा को हमने भरपूर इस फिल्म में यूज़ किया है कि एक लड़की को क्या दिक्कत आती है जब 370 की धारा लेके बम्बई में आती है. तो ये हर चीज़ हमने इस पिक्चर में ले ली है जो पूरी डिफरेंस टाइम लगे और सस्पेंस थ्रिलर में जो चीज़ अंत तक ना आई. सर लेकिन कहना चाहूँगा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो दिखाया गया ये दिखाया गया कि कश्मीर एक अलग ही राज्य है मतलब वहाँ पे जो लॉज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई कंट्रोवर्सी नहीं. मगर जो हकीकत है कि जो एक ही कंट्री में एक ऐसा रूल भले बरसों पुरानी कलम लगी हुई है 370 धारा मगर एक ही कंट्री में रूल से दिक्कत क्या आती है फ़ायदा क्या होता है वो पूरी चीज़ ये पिक्चर देखने के बाद सबको पता चलेगा जो 80% लोगों को पता नहीं. हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझिए.
अभी एक जो धारा है वो धारा हमें पाबंद कर देती है कि हम कश्मीर को अपना पार्ट होने के बाद भी नहीं बोल सकते कि कश्मीर हमारा पार्ट। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये बोले कि कंट्रोवर्सी का फायदा उठा रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। लेकिन इंस्पायर्ड कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? सर मैं खुद गूगल बुक हूँ। किस तरह से देखते हैं सर? ये खुद कश्मीर गए थे, वहाँ पे इनका 370 का धारा का हिस्सा खुद बन के आए थे, तो इसने खुद एक दिक्कत झेली थी, इसके लिए उसने खुद ये लाइन बनाई और हम दोनों ने मिलकर इसको अच्छी तरह से डेवलप किया। उनके हमने दिक्कतें, एक आदमी को जो दिक्कत होती है वहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है, यहाँ के आदमी को भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ वाला सुखी है कि 370 है तो वहाँ वाला, कुछ लोग वहाँ हैं जो पर्टिकुलर जिनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। लेकिन आज जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के, उनसे अगर पूछोगे जाके तो उनको 370 नहीं पता है, वो खुद अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं वहाँ से, बहुत सारे लोग। तो वो 370 की धारा का मतलब ये नहीं कि वहाँ वाले खुश हैं यहाँ वाले खुश नहीं हैं, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वाले खुश हैं वहाँ वाले नहीं। उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने प्रॉब्लम्स को दिखाया कि एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी, वहाँ से कोई मिसिंग हो या यहाँ से कोई मिसिंग हो, तो उसको फाइल करने के लिए आपको 365 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो भी केस फाइल नहीं होता। चल गया और हम चाहते हैं कि पब्लिक में पहले एक बार अवेयरनेस आए कि ये चीज़ क्या है। फिर फेस्टिवल भी होगा, कमर्शियल सब्जेक्ट भी है, हमने गाने भी अच्छे से बनाए हैं, उसमें मोहित जी गा रहे हैं, रीटा नेगी गा रही है, और सिंगर जो बड़े सिंगर हैं हमारे साथ गा रहे हैं। हमने उसमें लव स्टोरी एक ट्रेंगल भी डाला हुआ है पूरा का पूरा, वो लव स्टोरी भी है, सब चीज़ें मेंटेन की है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक धारा को पकड़ के पूरी गाने को, ऐसा नहीं है, पूरा एक कमर्शियल बेस है उसमें, उसको देख के इंटरेस्ट भी लगेगा और थोड़ा आपको सस्पेंस भी दिखाई देगा उसमें, वो सस्पेंस देखने के बाद ही आपको। स्टार कास्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे कंडक्ट किया है, मुकुल देव है ये मेन करेक्टर जो है हमारी, कंगना है क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जो एक एक्शन मास्टर भी दिखाई हमने उसमें, और वो बेस दिखाया हमने उसका, तो हमने उस बॉडी बिल्ड को देख के हमने कंगना मेन फीमेल बेस ही है, हीरो तो हमारा थोड़ा कम ही उसमें है। तो शूटिंग कहाँ होने वाली है और कब तक फिल्म करने को आने वाली है? हम लोग अभी कश्मीर में जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में, 10 से 15 दिन का शूटिंग पहला हमारा कश्मीर है, बाकी बॉम्बे का पूरा शूटिंग 25-30 दिन का जो शूटिंग जाएगा। सर टारगेट तो जून जुलाई का है, लेकिन ये भी देखते हैं जब तक पूरा शूटिंग पूरा हो जाए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में बता रहे हैं, जून जुलाई का ही टारगेट है। जिसमें एक कश्मीर में बोलते हैं कि 377 की धारा लगती है, जो अगर कश्मीर का कोई भी यहाँ पे आता है इंडिया में, आई मीन दिस साइड, तो उसका केस लॉन्च नहीं होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे केस नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ से कश्मीर में जाते हैं उसको बोलते हैं 35 पे 377 की धारा, तो यहाँ का केस वहाँ पे नहीं दर्ज होता है, वहाँ का केस यहाँ पे दर्ज होता है। तो स्पेशली ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे है, तो अभी बस जल्दी हम शूट करने जा रहे हैं। ओके, किस तरह का आपको किरदार है थोड़ा सा? इसके बारे में ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस यही बताया है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है और पूरी बेस्ड जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर घूमती है, जिसमें काफ़ी सारे किरदार शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन कौन है फिल्म में, रुस्लान है और कुकुर देव सर हैं। ओके, जब आपको पढ़ा होगा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन आपको ये कि इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी है और बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो वुमेन के ऊपर आपके बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई जाती है, तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे, जैसे मैंने स्टोरी सुना थी कि मुझे यही करना है, क्योंकि एक तो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और दूसरा वुमेन ट्रैफिकिंग फिल्म है जो आजकल के टाइम में हो रहा है, हमारे आसपास हम पता देखते हैं, तो स्पेशली वो उसके ऊपर है और स्पेशली कश्मीर का और दहीसर चेक का हमारी मूवी का नाम है, तो इट्स रिलेटेड टू जो हमारा टाइटल है वो इसी के ऊपर। दहीसर चेक मतलब अजीब लग रहा है, एक इलाके में हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है मतलब? नहीं, मुंबई के एक इलाके में नहीं हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आई थिंक हर जगह पे होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट्स नॉट स्पेशली इन मुंबई, इट्स नॉट स्पेशली इन कश्मीर, इट्स नॉट स्पेशली इन दिल्ली, आई थिंक एवरीवेयर, एंड वी नीड टू स्टॉप इट, एंड वी आर आवर गवर्नमेंट आल्सो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड सब लोग बहुत
ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए. तो ये मूवी टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है. तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या ये लड़की कहाँ चलती है इन चीज़ों को लेके. बाकी आप लोगों को ओके. इसके अलावा बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, रणवीर और दीपिका का मैरिज. व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव सीन द स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम दैट दे आर गेटिंग मैरिड. आई मीन इट्स अमेजिंग थिंग कि इतने टाइम से वो लोग साथ में हैं और नाउ दे आर गेटिंग मैरिड और एकदम से रिवील किया. सो एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड दिस कांग्रेचुलेशंस. और मैंने अभी उसका फाइनल वर्जन तो नहीं सुना है, रफ सुना है. और मैं आज यहाँ गाने के लिए आया हूँ गाने को. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग. और बहुत ग्रूवी गाना है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है आपको, क्या होता है जब आपको अप्रोच करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो गाने होते हैं, तो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस तरह के गाने आपको मतलब गाने हैं? इंडिविजुअली मेरा तो क्राइटेरिया ये होता है कि गाना एक तो वल्गर नहीं होना चाहिए और मुझे डबल मीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे गाना. और गाने में डेप्थ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों के दिल तक जाए, तो वही क्राइटेरिया होता है बस. बाकी तो सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट. और फिल्म में तो हर फिल्म का एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे गाना होता है, पर उसमें कुछ एक डेप्थ होना चाहिए, कैच होना चाहिए कुछ, तब मज़ा आता है गाने गाने का. तो इसमें वो गाने में है वो. सर एज यू नो कि मी टू जो कैंपेन है नेशनल लेवल इशू बन गया है. अनु मलिक जी ने इंडियन आइडल छोड़ दिया है, उन पे एक्यूजेशन लगा श्वेता पंडित जी और रिकॉर्डिंग हो रही है आज फिल्म के बारे में. फिल्म के बारे में कुछ बताइए, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के बारे में. जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो एक तो आइटम नंबर है, प्रियंका नेगी ने बहुत अच्छा गाया है. वो सर गा रहे हैं एक रोमांटिक नंबर, ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर जो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे. और संजीव जी चतुर्वेदी ने लिखा है, दोनों गाने लिखे, फिल्म के सारे गाने इन्होंने लिखे. ओके, फिल्म की शूट हो चुकी है, कुछ फिल्म अभी शुरू होने वाला है, होने वाली. किस तरह की फिल्म है, थोड़ा फिल्म के बारे में बता दीजिए. किस तरह फिल्म इज ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ये फिल्म कश्मीर से शुरू होती है और बॉम्बे में आके ख़त्म होती है. ओके, इट इज़ अ रियल बेस्ड स्टोरी है या किसी के ऊपर आधारित है? कितना रिसर्च किया इस फिल्म में, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग फिल्म है तो कितना रिसर्च किया आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. बाकी चीज़ तो आपको लगता है म्यूजिक पार्ट एंड द सॉन्ग्स, बाकी जितना हमें पता है इट्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड गाने भी बहुत अच्छे हैं. आप गाना गा रही हैं कुछ, आप दो लाइन अगर गाने के गुनगुना दें. काशी जी एंड संजीव जी बहुत अच्छा लिखते हैं. काशी जी इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड आज मोहित जी यहाँ पे आए हैं, सो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई दैट आई विल सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विद मोहित जी. सो ये एक जबरदस्त आइटम नंबर भी गाया है इन्होंने, चाहेंगे कि दो लाइन एक लाइन सुना दो पहले ये सॉफ्ट वाला. ओके तू है मेरा तो क्या है कमी, आसमां भी मुझे लगता है जमीन. तू तमन्ना मेरी, तू मेरी तशरीगी, तुर नजरों से तू ना जाना कभी. तेरी हर एक अदा दिल नशी आफरी, तेरे नजरों से हटती नहीं. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा है संजीव जी ने गाना. हाँ, लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए. संजीव जी, आपको जो ये गाना दिया गया था ये आपने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देख के ये गाना लिखा है या पहले आपके गाने तैयार थे और दे दिया गया कि नहीं? हाँ, आज के टाइम में मोस्टली डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से गीत एक्चुअली चाहते हैं, तो ये इस गाने की सिचुएशन थी कि हमको इस तरह का गाना चाहिए था और उस पर ऑलरेडी काशी जी पहले एक धुन बना चुके थे बहुत प्यारी, इसमें शब्दों की कमी थी केवल. फिर आया कि इसमें शब्द डालने हैं, फिर शब्द डालने का काम मैंने, क्योंकि ये कश्मीर से कहानी शुरू होती है तो कुछ उस लहजे के कुछ गाने इसमें एक्चुअली क्या है, क्योंकि कश्मीर में उर्दू एक्चुअली शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है तो हमने इसमें उर्दू शब्द इसमें ज़्यादा रखे हैं, ज़्यादा नहीं उतनी रखा है जैसे आटे में नमक, क्योंकि हमको हिंदी फिल्म में अपने गाने चलाने होते हैं
तो लोगों को उतना समझ में आता है कि आप आटे में नमक डालते हो तो बहुत ज़्यादा उर्दू नई जनरेशन के दिमाग से बाउंस हो जाता है। मैं पहले लिखता था, मेरे काफ़ी गाने आए थे जिनमें उर्दू होती थी। सुपर नानी फिल्म का एक गाना था, माहरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल। तो मेरा बेटा जब सुना तो मुझे बोला, आप जो भी बनाते हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इवन उसके दोस्त भी बोल गए, अरे आपको सिंपल नहीं बना सकते हो, आप ऐसी ऐसी उर्दू करते हो। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने बड़े सिंपल सॉन्ग सके। मेरा मुझ, बाकी फिल्म का गाना था मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, एकदम सिंपल। फिर हाउसफुल का गाना था, नचेंगे जारी जारी रा टांग उठा के। तो फिर वर्ड्स जो है बहुत सादा सादा रखने लगे कि लोगों को समझ में आए, जो समझ में नहीं आएगा इसमें भी उर्दू है बट समझ में आएगी, सारी उर्दू है ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तलफ्फुज़ और गायकी क्योंकि मोहित सर की है इसमें, तो जैसे बोलते हैं ना कि ये जिन शब्दों को छू लें या गुनगुना दें वो अपने आप में जो एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी मोहित सर एक्चुअली गाना गा रहे हैं, एंड काशी जी एंड प्रियंका जी ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अब इनका वेट करेगा इसमें। मोहित जी अगर कुछ चंद लाइनें आप भी अगर सुना ले, मैं तो भी गाना गाऊंगा। प्लीज टू सिंग नाउ, तो मैं गाने को थोड़ा जज्ब करूंगा, फील करूंगा और उसके बाद फिर गाऊंगा। Okay, so just Deepika and Ranveer getting married. Can you sing one song for the both of them? Any message you want to say? Both of them. Deepika and Ranveer getting married in next month, 14th and 15th of November. 14th. Anything you want to say regarding that? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, and it's really beautiful that two beautiful people are coming together. So I really wish them a very very happy married life. Ma'am, your thoughts on that at least? I didn't know that Ranveer and वो हो रहे हैं, मेरा तो दिल टूट गया because I love Ranveer. सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है, but wishing them all the happiness and success in life. Yeah, and कुछ उनके लिए एक गाना हो जाए, आप सब तेरी सुना दो, मुझे मेरी गाने ज़्यादा अच्छा लगा। सब तेरा, हाँ शुरू कर सकते। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। आज तक तुम्हारे पास आ गया ना, इंडियन